सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं चीज़ी चिकन बर्गर। इसको जब आप बनाकर खाएंगे तो ये बिल्कुल मैकडोनल्ड के बर्गर जैसा ही टेस्ट लगेगा। देखिए, देखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी बहुत होता है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसे नोट कर लें। इसके सारे इंग्रेडिएंट भी बहुत ही सिंपल मैंने यूज़ किया है, मगर इसके साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ के जी चिकन मिन्स लिया है। मैंने ब्रेस्ट वाले पीस लिए थे, उसको चॉपर में डाल के इसका मिन्स बना लिया है। एक बाउल में इसको ले लेंगे। सॉल्ट यहाँ पे 1 टीस्पून लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। अगर पेपरिका पाउडर आपको ना मिले तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वन टीस्पून सोया सॉस ले लेंगे इसमें। गार्लिक पेस्ट यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। कैरेट 2 मीडियम साइज की मैंने लिया था और इसको चॉप कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। अंडा 1 ले लेंगे और इसको अच्छे से बीट करके ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन सबको मिक्स करते जाएंगे। मेयोनीज भी 1 टीस्पून ले लेंगे और इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। इससे पैटीज बहुत ही मॉइस्ट बनती है। जिंजर यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा लिया था, इसको चॉप कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। कोरिएंडर लीव्स थोड़ी सी ले लेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। इसकी स्टेम्स भी आप यूज़ करिए और ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी या ज़्यादा आप जितना चाहें, ये सब चॉप कर लेंगे और ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे मैंने 1 बाउल लिया है, इसको तैयार किया है। 5-6 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा ही अभी ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर यहाँ पे 1 टीस्पून लिया मैंने। सबको मिक्स करते जाएंगे और इसको पैटी की शक्ल बनाएंगे गोल गोल। अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और उस पर बनाते जाइए। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इसमें डालेंगे सेंटर में। और उसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर और डाल देंगे, फिर इसको गोल शेप देंगे। ये देखिए, पैटी बन के तैयार हो गई। अब इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। इसी तरह जितनी पैटीज इसमें बन जाएंगी वो आप 8-9 बन जाएंगी। मैंने यहाँ पे 4 ही बनाई और इसको फ्रीज़र में रख दिया सेट होने। अब ऑयल थोड़ा सा ले लेंगे और एक पैन में डालेंगे।
कैप्सिकम एक लिया मैंने यहाँ पे, और इसकी रेलिश बनाएंगे। इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर आपको मस्टर्ड पेस्ट ना मिले तो आप सरसों लेकर उसको ड्राई पेस्ट पीस लें मिक्सी में, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें ही डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, हनी यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से चला देंगे। रेड चिली सॉस थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड किया, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। जब ये थोड़े से ड्राई हो जाए तो इसको पैन में से निकाल लेंगे। अब पैन में तेल डालेंगे और पैटीज फ्राई करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मीडियम ही हीट पे इसको फ्राई करेंगे, तेज़ नहीं करेंगे आँच, वरना पैटीज जल जाएगी। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए ये अच्छी से फ्राई हो गई है, 10 मिनट लगा इसको फ्राई होने में। एक्सेस ऑयल आप इसको निकाल लेंगे, इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे पैटीज को। बटर यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। थोड़ा सा बटर पैन में डालेंगे और ऑनियंस को फ्राई करेंगे। एक दो मिनट तक ही इसको फ्राई करेंगे और ऊपर से हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे। देखिए अब इसका कलर अच्छा सा आ गया है और इसको निकाल लेंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। अब पैन में वापस से बटर डालेंगे और बन को गोल्डन कलर आने तक रोस्ट करेंगे। मीडियम ही हीट पे इसको फ्राई करना है, वरना बन जल जाएंगे। देखिए इसके कॉर्नर्स गोल्डन कलर के हो गए, अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बर्गर की असेंबलिंग करेंगे। इसमें नीचे थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे।
एक टोमेटो मैंने लिया था और इसके स्लाइसेस काट लेते, बहुत पतले स्लाइसेस नहीं काटने हैं इसके, क्यूकम्बर मैंने स्लाइस कर लिए हैं पतले पतले एक लेकर, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं सब्जियां इस तरह, आप ज़रूर डालें। अब एक लेयर क्यूकम्बर की लगा दिया, अब इस पर सीजनिंग करते जाएंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, ब्लैक पेपर डालेंगे, लेट्यूस लीव्स यहाँ पे मैंने लिया है और इसको साइड से थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, ये भी बर्गर में लगा देंगे। एक एक लेयर लगाते जाएंगे और इसके ऊपर पैटीज रख देंगे। अब इस पे थोड़ी सी मेयोनीज और डाल देंगे, ऑनियन रिंग्स रख देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इस पे, पेपर डाल देंगे और रेलिश जो बनाई थी कैप्सिकम की वो भी इस पे डाल देंगे। चीज़ स्लाइसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो भी इस पे डाल देंगे, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और चीज़ स्लाइसेस ऊपर से रख देंगे। अब ऊपर वाला हिस्सा बर्गर का रख देंगे इसके ऊपर और इसको एक बैम्बू स्टिक से बीच में जॉइंट कर देंगे। बन को एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में चला लेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो सके, अगर आप चलाना चाहें तो चला दें, नहीं तो ऐसे ही सर्व किया जा सकता है। गरम गरम बहुत अच्छा लगता है, किसी भी डिप के साथ ये सर्व किया जा सकता है, या आपको चटनी पसंद है तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं, फ्राइज़ के साथ। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।